हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, दिस इज अ कंप्यूटर सीरीज फॉर द जीओआईटी एग्जाम। तो हमने ऑलरेडी इसमें काफी सारी वीडियो जो अपलोड कर दी हैं, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और काफी सारे हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एट द एंड हमने जो है कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हर एक वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप डेफिनेटली से चेकआउट कर सकते हैं उन वीडियोज को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सुझाव हो, तो आप हमें @elitecademyrain हैंडल पर, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जाके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के कोट से। तो आज का कोट है कि ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम द कंफर्ट जोन। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये कोट है कि जिंदगी में अगर आपको महान कार्य करने हैं या सफलता बड़ी अचीव करनी है, तो वो कभी भी कंफर्ट जोन में रहकर नहीं आ पाएंगे। सिंपल सी एग्जांपल जो मैंने आपको एक दो दिन पहले भी दी थी, अगर आपको फिट रहना है तो आपको सुबह बेड से जल्दी उठना पड़ेगा, रजाई छोड़नी पड़ेगी, अपने आप को कष्ट देना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, आलस होगा, लेकिन आपको वो छोड़ना पड़ेगा, तभी आप जो फिटनेस को अचीव कर पाएंगे। या फिर अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको जो है डेली 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई को देने पड़ेंगे, तभी आप एट द एंड जो अच्छा स्कोर कर पाएंगे या फिर टॉप पर बन पाएंगे। या फिर आप जो अगर इस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप जो है डेली एक टाइम फॉर्मेट डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ेंगे, यानी कि आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि नहीं यार, आज मैंने नहीं पढ़ना, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, जब तक आप जो उस चीज से ओवरकम नहीं होंगे, तब तक आप जो उस चीज को सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ग्रेट थिंग जो कंफर्ट जोन में रहकर नहीं आती है, ग्रेट थिंग्स हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही मिलती है। सो ये था आज का कोट। तो आगे हम बढ़ते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी कंप्यूटर वायरसेस के बारे में। तो एक्चुअल में कंप्यूटर वायरस होता क्या है? कंप्यूटर वायरस इज अ काइंड ऑफ मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम व्हिच व्हेन एग्जीक्यूटेड रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड इंसर्ट इट्स ओन कोड। बेसिकली ये एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है, यानी कि एक ऐसा समझ लो कि ये भी एक प्रोग्राम ही होता है, कोड ही होता है, जो कि जब हमारे सिस्टम में ऐड हो जाता है तो खुद की क्या बहुत सारी कॉपीज बनाता है। फॉर एग्जांपल, एक हो गया 1 से 2 का, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से अब सो मिलियंस ऑफ कॉपीज ये क्रिएट कर देगा। और जब रेप्लिकेशन यानी कि कॉपीज बन जाएंगी, दिस कोड इन्फेक्ट्स अदर फाइल्स एंड द प्रोग्राम प्रेजेंट ऑन योर सिस्टम। तब यह करेगा धीरे धीरे एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम को इन्फेक्ट करेगा, दूसरे प्रोग्राम से तीसरे प्रोग्राम को, धीरे धीरे करते आपके पूरे के पूरे सिस्टम को ही जो है ये तबाह कर देगा, डैमेज कर देगा। और वायरस हैज द पोटेंशियल टू कॉज अनएक्सपेक्टेड डैमेजिंग इफेक्ट्स सच एज हार्मिंग द सिस्टम सॉफ्टवेयर बाय करप्टिंग एंड डिस्ट्रॉयिंग द डाटा। यानी कि आपके जो सिस्टम में जितना भी डाटा उसको जो है डिलीट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपका जो डेटा उसको करप्ट कर सकता है। तो बेसिकली ये होता है कंप्यूटर वायरस। तो किस तरीके से एक्चुअल में जो कंप्यूटर वायरस जो अटैक करता है वो हम जान लेते हैं। जैसे ही वायरस जो सक्सेसफुली किसी भी प्रोग्राम या फाइल या किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ जो अटैच हो जाता है, तो जो वायरस होता है वो तब तक जो है, यानी कि जब तक जो है किसी भी कंप्यूटर डिवाइस में उसको एग्जीक्यूट होने के कोई चांस नहीं बन जाते, तब तक वो वायरस क्या करेगा, मजे से सोए रहेगा, जैसे कि कंप्यूटर में कोई वायरस है ही नहीं। और जैसे ही वो प्रोग्राम जिसमें कि वो वायरस है, जैसे ही वो प्रोग्राम जिसमें कि वो मैलिशियस कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, तभी वो क्या करेगा, ये जो वायरस है ये जिंदा हो जाएगा और ये क्या करेगा, उस सिस्टम को जो अफेक्ट करना शुरू कर देगा। यू हैव टू रन द इन्फेक्टेड प्रोग्राम व्हिच कैन कॉज द वायरस टू कोड इनटू एग्जीक्यूटेड। बेसिकली जैसे ही वो जो कोड है, वो वायरस जो मैलिशियस कोड है, बेसिकली वायरस नहीं, वो मैलिशियस कोड है, वो एग्जीक्यूट होता है, वैसे ही जो है ये हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। वायरस रिमेन्स डोरमेंट योर कंप्यूटर विदाउट शोइंग मेजर साइंस और सिस्टम। यानी कि ये तब तक जो है मरा हुआ रहता, साइलेंट रहता, जब तक कि हमारे सिस्टम में हमें पता नहीं चलता कि हाँ भाई इसमें, फॉर एग्जाम्पल, हमारा सिस्टम स्लो होने लग पड़ा, हैंग होने लग पड़ा, या फिर फाइल ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्रैश हो जा रही है, यानी कि उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है, हमें चेक करने की जरूरत है। वंस द वायरस कैन इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर्स ऑन द सेम नेटवर्क। यानी कि अगर एक कंप्यूटर जो है किसी वायर के थ्रू नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है दूसरे कंप्यूटर के साथ, तो उनको भी वो इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, स्टीलिंग पासवर्ड, डाटा, लॉगिंग कीस्ट्रोक्स, क्रिप्टिंग फाइल्स, स्पैमिंग ईमेल कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा। यानी कि आपके जो आपकी जो बैंक डिटेल्स होगी, आपका जो डेटा पासवर्ड से, लॉगिंग पासवर्ड से उनको स्टील करता है, यानी कि उनको चुरा लेता है, या फिर जो कई सारे स्पैम्स होते हैं, यानी ईमेल आपको मिलते हैं उनको जो है, या फिर फाइल को जो करप्ट कर देता है, ये सारे काम इसके हैं कंप्यूटर वायरस के, जिसको मैलिशियस बोलते हैं।
अच्छा, कंप्यूटर वायरस कितने तरह के होते हैं? बेसिकली ये कई तरह के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बूट सेक्टर वायरस। तो बेसिकली ये जो वायरस होता है ये तब स्टार्ट होता है जब हमारा कंप्यूटर जो बूट होता है, जैसे ही हमारा कंप्यूटर जो है स्टार्ट होता है, हमारा कंप्यूटर जैसे ही जो स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बूटिंग। उस समय ये वायरस जो है स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूट होता है। वन वे इट कैन स्प्रेड बाय प्लगिंग द इन्फेक्टेड यूएसबी टू योर कंप्यूटर। एक तरीका तो ये कि अगर हम किसी भी यूएसबी यानी कि पेन ड्राइव को अटैच करेंगे जिसमें वायरस हो तो हमारा जो कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाएगा, यानी अफेक्ट हो जाएगा। सेकंड है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। दिस टाइप ऑफ वायरस एक्सप्लोइट द कोड ऑफ वेब ब्राउजर एंड वेब पेजेस। बेसिकली जो भी वेबसाइट्स होती हैं, वेब ब्राउजर्स होती हैं, उनमें ये क्या करता है कि उनके जो कोड्स होते हैं इंटरनल, जो बैकएंड पे क्या होता है कोड ही रन कर रहा होता है ना, उनके साथ ये होता है इंटरलिंक यानी मिक्स होता है और उनके कोड्स को ये करता है एक्सप्लोइट करता है। इफ़ यू असर सच अ वेब पेज, अगर आप ऐसी किसी वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे कि कुछ इस तरीके का वेब स्क्रिप्टिंग वायरस है तो आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्ड, दैट इज ब्राउजर हाईजैकिंग। बेसिकली दिस टाइप ऑफ वायरस हाईजैक सर्टेन वेब ब्राउजर फंक्शन एंड यू मे ऑटोमेटिकली डायरेक्टेड टू अनइंटेंडेड वेबसाइट। कई बार आपने देखा हो कि आपने कोई वेबसाइट खोली है, ठीक है, कई बार आपने नोटिस किया स्मार्टफोन में और कंप्यूटर में भी, आपने वेबसाइट खोली है वहाँ पे एक लिंक दिया कि इस लिंक पे जाएं और आप ये गाना या गेम या सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप जो किसी दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिए जाते हैं। और कई बार आपको मैसेज आता है कि हाँ आपका सिस्टम जो स्लो है, आप इसी समय जो है ये जो एंटीवायरस इसको इंस्टॉल करें या कि क्लीनर को इंस्टॉल करें। बेसिकली वही होता है ब्राउजर हाईजैकिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस। दिस टाइप ऑफ वायरस कम्स इनटू एक्शन व्हेन यू एग्जीक्यूट अ फाइल कंटेनर। बेसिकली ये तब चलता है जब किसी भी हम उस ऐसी फाइल को जो है प्रोसेसिंग में लाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें कि वायरस हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस की। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या करता है कि चेंज करता है इसका कोड हर एक टाइम, यानी कि जब भी कोई भी टाइम वो फाइल जिसमें कि ये वायरस है एग्जीक्यूट होगी अपने कोड को बदल देता है ताकि कंप्यूटर सिस्टम जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो इसको क्या कर सके, ढूंढ ना पाए, उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। मैक्रो वायरस की बात करें, वायरस रिटर्न द सेम मैक्रो लैंग्वेज एज यूज्ड इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड इफेक्ट्स द कंप्यूटर इफ अ वर्ड प्रोसेसर फाइल इज ओपन। मेनली द सोर्स ऑफ सच वायरस इज ईमेल। बेसिकली ये जो वायरस होता है ये उसी लैंग्वेज या कोड में कोडिंग की गई होती है जिस लैंग्वेज में जो भी हम सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर की जो लैंग्वेज है सिमिलर लैंग्वेज में वो वायरस की कोडिंग की गई थी ताकि जब ये मिक्स हो जाए तो पता ना चले कि एक्चुअल में वो वायरस है या नहीं। इसकी जो एग्जांपल है ईमेल, यानी कि बेसिकली ईमेल्स के थ्रू जो है ये वायरस आता है। तो हम बात करते हैं बैकडोर और ट्रैपडोर। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मेलिशियस वायरस, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। बेसिकली बैकडोर या ट्रैपडोर क्या है, आपको नाम से क्लियर हो कि बैकडोर यानी कि जो छुपे रुस्तम, यानी कि कहीं पीछे से एंट्री लेता है। इट इज़ अ सीक्रेट एंट्री पॉइंट और प्रोग्राम, यानी बेसिकली ये एक सीक्रेट एंट्री होती है किसी भी प्रोग्राम में। इट अलाउज दोज हु नो एक्सेस बाई पासिंग अनयूजुअल सिक्योरिटी प्रोसीजर। बेसिकली ये क्या करता है, जो सिक्योरिटी लगाई गई होती है किसी भी प्रोग्राम में उसको बाईपास कर देता है उस एंट्री पॉइंट से। इट इज़ वेरी हार्ड टू ब्लो इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ब्लो करना, क्योंकि पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी होती है किसी भी डिवाइस इसको बाईपास कर देता है, तो इसलिए इसको ब्लॉक करना थोड़ा हार्ड होता है। इट रिक्वायर्ड गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अपडेट। अब इसको पता लगाने के लिए कि बैकडोर या ट्रैपडोर है या नहीं, टाइमली हमें अपने डिवाइस को, अपने कोई भी स्मार्टफोन या कंप्यूटर उसको टाइमली क्या अपडेट करते रहना चाहिए ताकि जो भी नया वायरस आता है वो अपडेट के थ्रू जो है हमें पता चल जाए और उसको जो है डिस्ट्रॉय किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द ट्रोजन हॉर्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस हुआ था ट्रोजन हॉर्स। बेसिकली ट्रोजन हॉर्स इज अ टाइप ऑफ मालवेयर। ये एक तरह का मालवेयर होता है दैट इज ऑफन डिस्क्विज्ड एज ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। अब आपको यहाँ पे एक वर्ड भी देखने को मिला, लेजिटिमेट का मतलब है सही, जो कि एक सही सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपको देख के पता नहीं चलेगा कि ये एक कोई मालवेयर है। डिस्क्विज्ड का मतलब है कि देखने को लगता है कि ये एक सही सॉफ्टवेयर, डिस्क्विज्ड का मतलब देखने को लगता है, लुक लाइक। तो ये भी आपको एक वर्ड जो है देखने को मिल रहा है, तो आपको जो इसी के साथ इंग्लिश की भी प्रिपरेशन हो रही है, आपको डिफरेंट वर्ड्स की मीनिंग भी देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली ट्रोजन होता क्या है कि ट्रोजन हॉर्स होता है एक मालवेयर जो कि कुछ इस तरीके से लगता है कि वो एक सही सॉफ्टवेयर है, बट यूजली सुपरफिशियली अट्रैक्टिव, और ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। एग्जाम्पल एक गेम, फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चों के पास क्या कोई भी गेम इंटरनेट पर मिल जाए उनको लगे वायर गेम इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, तो क्या सुपरफिशियली अट्रैक्टिव बनाता है ताकि ईजिली कोई भी इसका शिकार बन पाए। या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट, कई बार बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट से भी बग आ जाता है, तो वो ये होता है। इट ऑफन यूज टू प्रोपेगेट अ वायरस और वर्म और इंस्टॉल अ बैकडोर। बेसिकली ये क्या करता है कि वायरस और वर्म को इंस्टॉल करने के लिए
अगर डैम नोड को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है और इट सिंपली यूज टू डिस्ट्रॉय डाटा, या फिर इसको सिंपली यूज किया जाता है ताकि हम डाटा को डिस्ट्रॉय कर सकें, जो भी डेटा है उसको हम खत्म कर सकें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्म। अब वर्म क्या होता है, ट्रैपडोर हम देखिए, ट्रोजन होता है। वर्म क्या होता है, अ कंप्यूटर वर्म इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट स्प्रेड कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। बेसिकली ये क्या करता है, अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेता है, यानी कि रेप्लिकेट कर लेता है खुद को विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। यानी कि हमने किसी फाइल को यूज नहीं किया लेकिन फिर भी वो खुद को क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। लेकिन ये क्या करता है, इट डज नॉट नीड टू अटैच टू, सो इसको किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के साथ अटैच होने की जरूरत नहीं है हमारे सिस्टम को डैमेज करने के लिए। इट वाइडली यूज बाय हैकर, बेसिकली इनको हैकर्स ही यूज करते हैं ताकि वो ज़ॉम्बी पीसी बना सकें। अब ज़ॉम्बीज क्या होते हैं, ज़ॉम्बीज आपने मूवीज देखी होती कि क्या होता है कि वो बेसिकली जो मानव जाति है किसी भी चीज को मारने के लिए यूज होते हैं, उनका अपना कोई दिमाग नहीं होता, उनको एक ही चीज होती है कि जो भी सामने मिल जाए उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो बेसिकली ज़ॉम्बी पीसी क्या हो गए, दूसरे पीसीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन वर्म को यूज किया जाता है हैकर्स के द्वारा। सब्सिक्वेंटली यूज फॉर फर्दर अटैक्स स्पेशली DOS। अब DOS होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बेसिकली होता है इसके द्वारा कि जो भी सही यूजर्स जो ऑनलाइन हमें मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जूम मीटिंग, स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन लगा था उस समय जूम मीटिंग जो है स्टार्ट हुई थी, तो उस समय जो है DOS डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जो है इस पर हो रहा था। यानी कि काफ़ी सारे ऐसे यूजर्स आ जा रहे थे जो कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं है, जो कि मीटिंग में, लेकिन बाहर से आ जा रहे हैं विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, बिना ऑथेंटिकेशन के बीच में घुस जा रहे थे। तो वो क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो रहा था। बेसिकली होता क्या, इसमें बहुत सारा जो बेसिकली होता है कि नेटवर्क है उसमें बहुत सारे यानी कि हजारों के हिसाब से जो होता है फ्लड, जैसे फ्लड होती है ना, अनयूजुअल पानी रहता है, वैसे ही जो सर्वर को जो भर देते हैं यूजलेस ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट से, ताकि जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाए, जिससे कि जो पर्टिकुलर चीज है, कोई भी वो डिवाइस है या फिर पर्टिकुलर सर्विस है, वो काम ना कर पाए। बेसिकली टाइम ऑफ द डीओएस इज नॉट टू ब्रीच द सिक्योरिटी। इसका एम जो सिक्योरिटी को खतरे में डालने लेता है, बेसिकली इसका एम होता है ताकि वो जो है साइबर वॉरफेयर हो गई या फिर जो बिजनेस में कॉम्पिटिशन होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जूम ही है, कोई ऐसी कंपनी नहीं चाहेगी जिसका भी अपना एक वीडियो प्लेटफॉर्म हो कि ये आगे बढ़े, तो वो भी ऐसा सिस्टम कर सकती है। एग्जाम्पल की बात करें मैं वर्म की, तो वो है क्लासिक वर्म जो कि रिलीज हो किया गया था रॉबर्ट मॉरिस के द्वारा 1988। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बहुत सारे क्रिएट हो गए कि वर्म करता है खुद को रेप्लिकेट करता विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। सेकंड की हैकर्स के द्वारा वर्म का यूज किया जाता है ज़ॉम्बी पीसी बनाने के लिए। नेक्स्ट की एक्चुअल में डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता क्या, ये भी मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारा जो रिक्वेस्ट है वो भेज दी जाती है, यानी कि फ्लड होती है जिस तरीके से, उस तरीके से बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज जाती है ताकि उस पर्टिकुलर सर्विस या डिवाइस को क्या कर सकें, वो डाउन कर सकें। एग्जाम्पल है क्लासिक वर्म जो कि 1988 में रॉबर्ट मॉरिस ने बनाया था, या फिर कोड रेड एक तरह का वर्म था, या कोड रेड 2 या माई डूम एक्सेट्रा, इस तरह के काफ़ी सारे वो वर्म जो निकल के आए थे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से जो वायरस हैं जो पास्ट के समय में जो है हमारे जो इस वर्ल्ड में जो रहे हैं। सबसे पहले क्रिप्टो लोकर। क्रिप्टो लोकर एक तरह का वायरस जो कि 2013 में रिलीज हुआ था और ये स्प्रेड हुआ था ईमेल्स के द्वारा। मैक्सिमम जो वायरस आप देखोगे वो स्पैम ईमेल जो होती है वहाँ पे कुछ लिंक्स होते हैं, उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको जो डिवाइस है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हैकर्स के पास या जिसने वो ईमेल भेजा उनके पास चल जाती है। वो आपके डिवाइस को लॉक कर देते हैं, आपके डेटा को डिलीट कर देते हैं। यानी बेसिकली उनका ये पर्पज होता है टू गेट मनी फॉर डिक्रिप्टिंग द फाइल्स। बेसिकली उन हैकर्स का क्या मतलब होता है कि जो भी डाटा आपको उसको पूरे के पूरे स्मार्टफोन को लॉक कर देंगे और उसके बदले आपसे पैसे मांगेंगे, तभी हम आपके स्मार्टफोन को खोलेंगे। यानी कि कुछ हैकर्स क्या करेंगे, पैसे मांगेंगे आपके डिवाइस के बदले या डाटा के बदले। सेकंड था आई लव यू वायरस। अब क्योंकि ये एक नाम से बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, आई लव यू, बेसिकली काफ़ी सारे लोगों को जो है ईमेल भेज दिया जाता था एक मालवेयर 2000 के आसपास, जिसमें कि क्या होता था आई लव यू मैसेज लिखाता था। सभी सोचेंगे आई लव किसने भेजा, वो उनको उत्सुकता हो गई है देखते किसने ये मैसेज मेरे को भेजा, और जैसे ही वो ओपन करते थे इसका शिकार हो जाते थे। ये जो आई लव यू वायरस है इसने जो वर्ल्ड में जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यानी कि इतने इतने सारे डिवाइसेस को जो अफेक्ट किया जितना हम सोच नहीं सकते पास्ट में। नेक्स्ट वायरस की बात करूँ जैसे माई डूम हो गई, ये एक तरह का वर्म है जो मैंने पैसे डिस्कस किया। फोर्थ हो गया जैसे स्ट्रॉन्ग वर्म, ये भी एक तरह का वायरस था। स्लैमर हो गया, ये भी एक तरह का वायरस था। सेसर या नेट्स का, ये भी एक तरह का वायरस था। और भी कई तरह के वायरस आए लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो नेट पे भी जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से वायरस जो है पास्ट के समय में रहे हैं और इन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रिप्टो लॉकर 2013, आई लव यू 2000 में। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस टॉपिक।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ वायरस, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि वायरस नहीं है, बूट सेक्टर, पॉलीमॉर्फी, मल्टीपार्टाइट या फिर ट्रोजन। ट्रोजन क्या होता है कि एक तरह का वायरस नहीं है, वायरस जैसे मैंने कहा बूट सेक्टर, पॉलीमॉर्फी, मल्टीपार्टाइट या फिर आपके जो है बूट सेक्टर जैसे बताया, और भी कई तरह के जो है वायरसेस जो मैंने पीछे डिस्कस किए हुए हैं, जिनमें कि ट्रोजन जो है ये अलग से कैटेगरी होती है मालवेयर की। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। अ कंप्यूटर डैश इज अ मैलिशियस कोड व्हिच सेल्फ रेप्लिकेट्स बाय कॉपीज इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं वायरस। वायरस की मैंने डेफिनेशन स्टार्ट में बताई थी कि क्या करता है, खुद को रेप्लिकेट कर देता है, अपनी कॉपीज बनाता है और वो कॉपी जो है फिर अनदर प्रोग्राम्स में जो है ट्रांसफर हो जाती है। थर्ड की अगर हम बात करें तो इन मिड 1981 द फर्स्ट वायरस फॉर एप्पल, यहाँ पे क्या होगा एप्पल हो गया, एक्चुअली में एप्पल लिखा है, एप्पल हो गया यहाँ पे, एप्पल कंप्यूटर विद ही नेम डैश केम इनटू एग्जिस्टेंस, वो कौन सा था वायरस जो कि एप्पल के कंप्यूटर में आया था पहली बार 1981 में, तो उसका था एप्पल 2, उसके वायरस का नाम क्या था, एप्पल 2 वायरस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। द वायरस हाइड इटसेल्फ फ्रॉम गेटिंग डिटेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि यूज करता है वायरस ताकि वो डिटेक्ट ना हो सके, तो कौन सा मेथड है, डिक्रिप्टिंग इटसेल्फ, अल्टरिंग डिस्क डायरेक्टरी, यूजिंग स्टील्थ प्रोग्राम, यानी कि ये सारे के सारे ऑप्शन हैं, खुद को इनक्रिप्ट भी कर लेता है, जो डायरेक्टरी जिसमें वो होता है डायरेक्टरी यानी कि वो लोकेशन जहाँ पे कि वो वायरस जिस फाइल में होता है उसको क्या चेंज कर देता है ताकि जब भी कोई एंटीवायरस उसमें डाला जाए तो वो डिटेक्ट ना हो, या फिर कुछ ऐसी एल्गोरिथम स्टील्थ यानी कि मजबूत यानी कि ऐसी एल्गोरिथम जिसको तोड़ा ना सके उसको यूज करके वो खुद को बचाता है, यानी कि ये जो ऑप्शन था इनकी मदद से जो है वायरस खुद को हार्ट करता है, पहली इनक्रिप्ट करता है, अल्टर करता है डिस्क डायरेक्टरी को, तीसरा की स्टील्थ एल्गोरिथम का यूज करता है। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। डैश इन्फेक्ट्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड इट इज चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स टास्क टू रिमूव द वायरस, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इन्फेक्ट करता है मास्टर बूट रिकॉर्ड को और काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस वायरस को निकालना, तो वो होता है बूट सेक्टर वायरस। बेसिकली जैसे बूटिंग होती है उस समय जो वायरस होता है उसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, डायरेक्ट एक्शन वायरस ऑप्शन, डायरेक्ट एक्शन वायरस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्शन वायरस को हम बोलते हैं नॉन रेसिडेंट वायरस। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि हम टॉपिक में डिस्कस नहीं कर पाते हैं, जिनको हम एमसीक्यूज फॉर्म में डिस्कस करते हैं, तो आपको याद रखना कि डायरेक्ट एक्शन वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कि नॉन रेजिस्टेंस वायरस भी हम उसको बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रहा है, तो वीडियो को जोर से लाइक कर दें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेवंथ क्वेश्चन की बात करें, डैश इन्फेक्ट्स द एग्जीक्यूटेबल्स एज वेल एज द बूट सेक्टर, बूट सेक्टर को और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं उनको कौन इफेक्ट, कौन सा वायरस होता है उसको बोलते हैं मल्टी पैटाइन, नाम से क्रिएट है मल्टी यानी कि काफी सारे, बूट सेक्टर को भी और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को भी। एट क्वेश्चन की बात करें, डैश आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एज दे कीप ऑन चेंजिंग देयर टाइप एंड सिग्नेचर, वो कौन से तरह के वायरस होते हैं जो मतलब टाइम टू टाइम अपने आप को जो है चेंज करते रहते हैं, उनको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस, जो कि डिफिकल्ट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना क्योंकि अपने आप को चेंज करते रहते हैं, कौन से होते हैं वो पॉलीमॉर्फिक वायरस, तो ये आपको ध्यान में रखना है जो कि अपने आप को चेंज करते हैं, अपने सिग्नेचर्स को चेंज करते हैं, पॉलीमॉर्फिक वायरस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। डैश इज ऑल्सो नोन एज अ कैविटी वायरस, अब कैविटी वायरस किसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, तो वो हम बोलते हैं स्पेस फिल्टर वायरस, यानी फेस फिल्टर वायरस का अनदर नेम है कैविटी वायरस, या कैविटी वायरस का अनदर नेम है स्पेस फिल्टर, तो आपको ध्यान रखना है कि कैविटी वायरस ऑल्सो नोन एज स्पेस फिल्टर वायरस। देन द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हिच वायरस होल्ड, यानी होगा व्हिच वायरस होल्ड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज द मोस्ट वायरलेंट वायरस, वो कौन सा, तो मैंने आपको पहले वो था आई लव यू वायरस, यानी कि आई लव यू वायरस। सो ये कुछ थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वायरस एंड द टॉपिक जो हमने डिस्कस किए डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको कोई भी क्वेरी सवाल जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें डेफिनेटली बता सकते हैं। सो हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।